हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजबन सिंह। आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो हम लोगों ने आगे की क्लासों में सीख लिया था कि पॉलीगन क्या होता है, कैसे काम करता है और पॉलीगन के टाइप कितने होते हैं। आज उसी के आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन इसके दो टाइप मैंने बताए थे। पहला टाइप था कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल बहुभुज। और कॉन क्यों मतलब अवतल बहुभुज। दो बातें हम लोगों की हो गई थी। अब इसके आगे से देखिए, इसके दो टाइप होते हैं। इसके दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। एक होता है उत्तल बहुभुज, सॉरी विषम बहुभुज। इसका मतलब होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। दो प्रकार के पॉलीगन आपके हो गए। तो सबसे पहले पॉलीगन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या था कि ऐसे बहुभुज जिनके प्रत्येक कोण का मान 180 से कम होता है, ऐसे कोणों को उत्तल बहुभुज कहते हैं। फिर इसमें क्या था कि ऐसे बहुभुज जिसमें प्रत्येक कम से कम एक कोण 180 से ज़्यादा तथा या कम से कम एक कोण 180 से कम होना अनिवार्य है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी सम बहुभुज। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसके लिए फंक्शन क्या है? इसमें भुजाओं की लंबाई वा कोण समान होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें साइड भी इक्वल होती हैं और इसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, साइड की लेंथ भी और कोण भी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया वर्ग, तो इसके प्रत्येक कोण 90 90 90 और 90। ठीक, एक हो गया समबाहु त्रिभुज। ये साइड इक्वल, इनके एंगल भी 60 अंश और 60 अंश। और हो गया जैसे, अब एग्जाम्पल है पेंटागन।
पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ETC, ऐसे मतलब जो चीज़ें रेगुलर होंगी वो आएंगी समबहुभुज में। ठीक, अब द्विसम बहुभुज में क्या आता है? द्विसम बहुभुज में ऐसा आता है कि इसमें जो इसमें भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है, नहीं होती है, भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती है, तो जब भुजाओं की लंबाई से समान नहीं होगी तो इसके एंगल भी नहीं इक्वल होंगे। जाहिर सी बात है, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल और स्केल ट्रायंगल। तो इसके एग्जांपल हो गए समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, और कौन एक एग्जांपल हो गया इसका? एक दूसरा एग्जांपल हो गया आपका द्विसमबाहु त्रिभुज, द्विसम बाहु त्रिभुज। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया समद्विबाहु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समकोण, समकोण कैसा था के कैसा बहुभुज है? तो समकोण विषम बहुभुज है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब एक बार आप इन इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इस वाली चीज को मिल रहा हूँ। अब इसके आगे बात करते हैं कि अब यहीं से स्टार्ट होता है कि हम लोग बहुभुज का एंगल कैसे मतलब फाइंड करेंगे, इंटीरियर एंगल, बाह एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो इन चीज़ों को हम लोग मतलब सीखते हैं। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए पहला टॉपिक आपका आएगा कि बहुभुज का अंतः कोण ज्ञात करना। हेडिंग क्या है? बहुभुज का बहुभुज या फाइंड फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, पॉलीगन बहुभुज का अंतः कोण ज्ञात करना, बहुभुज का अंतः कोण ज्ञात करना, ये आपकी हेडिंग हो गई। तो अब इसको हम लोग मतलब कैसे मतलब ट्रीट करेंगे? तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या हो गया कि हम लोगों ने एक आकृति बना ली। ये आपका बहुभुज हो गया। और मैं मतलब मैंने ये मान लिया कि इसमें जो साइड हैं वो यन साइड हैं। तो ये यहाँ से एक मैंने डायगोनल डाल दिया और यहाँ से इस वाली भुजा को हमने लोगों ने मिला दिया, यहाँ पे कुछ मिला दिया। तो माना ये पूरा कोण जो था ये वाला थीटा था और ये वाला टू थीटा था, ये वाला थीटा वन, ये वाला थीटा टू। तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा बाई टू, थीटा वन बाई टू। और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा टू बाई टू। और तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180°। ये मैं अभी आपको मतलब बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, तीनों कोणों का सम 180° ही क्यों होता है। ये मैं आपको एक मिनट बाद अभी मतलब बता दूंगा जब हम लोग ये सारी चीज़ें ट्रायंगल में सीखेंगे। चलिए ओके, तो हम लोग मतलब देखते हैं। तो ये वाला कोण कितना हो गया? ये वाला 180 माइनस का
थीटा 1/2 माइनस का थीटा 2/2। तो इसमें एन साइडें हैं, तो इसको हम लोग मतलब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो हम लोग मतलब ज्ञात क्या कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा 180 इंटू एन। अब एन क्या है यहाँ पे, एन यहाँ पे साइड एंगल माइनस थीटा 1/2 प्लस का थीटा 2/2। ठीक, इसी प्रकार आगे भी ये मतलब ये वाला हो जाएगा थीटा 2/2, और जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा 3/2। तो इसी प्रकार से आगे इसको मतलब डॉट लिखते आएंगे। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं कि 180 इंटू एन माइनस का थीटा 2/2 माइनस प्लस सॉरी थीटा 3/2, इतना हो गया। अब इसी प्रकार आगे जब हम लोग मतलब लिखते हुए आएंगे तो आएगा थीटा एन माइनस, जब इन लोगों को मतलब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 .. थीटा एन। इतने में कोई दिक्कत, अब बात करते हैं अब क्या होगा। तो ये सब है क्या, ये आपका थीटा क्या है, अंतः कोण है। और आप जानते हैं कि जब एक पूरा ये सर्किल बन जाएगा, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो मतलब सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक, तो ये कितने हो गया 360 डिग्री। तो अब यहाँ से मतलब क्या लिखेंगे कि 360 बराबर 180 और हम लोग मतलब फाइंड क्या कर रहे थे, ये सब कोण कैसे हो गए इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो इंटीरियर एंगल क्या हो गया, एक सौ अस्सी एन माइनस का 360 थीटा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से 180 का हम लोग मतलब कॉमन ले लेंगे और ये क्या हो गया एन माइनस का 2। यही ये प्रत्येक अंतःकोण का किसी भी बहुभुज के अंतःकोण निकालने के लिए ये सूत्र है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।